शांति। आज का प्रातः क्लास है 23 जुलाई 1968। मीठे मीठे बच्चे, कब सन्मुख होते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। जो सन्मुख होते हैं वो फिर वहीं रहते हैं जहां याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में सभी कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है, सन्मुख रहने से नजर से निहाल होते हैं, क्योंकि आत्मा की नजर जाती है ना परमपिता परमात्मा में। जब परमात्मा बाप में नजर जाती है तो उनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो बच्चों को अपने ऊपर कितनी खबरदारी रहनी चाहिए, क्योंकि याद न करने से माया समझ जाती है कि इनका भी योग जुटा हुआ है, तो फिर वो अपनी तरफ खींचती है। और जब अपनी तरफ खींचती है तो कुछ न कुछ उल्टा काम करा देती है। बच्चे जब उल्टा काम कर लेते हैं तो जैसे कि बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो इसके लिए भी बाप कहते हैं बच्चे ये मंजिल बहुत ऊंची है। कौन सी? मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। इस मंजिल में जो रहने वाले हैं उनकी निशानी है काम करते हुए भी बाप में नजर लगी रहती है, बाप को ही याद करते हैं। यह है ऊंचते ऊंच मंजिल, कर्म करते याद में रहना, इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, परंतु अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो याद में रह सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जैसे कि बाप की निंदा कराते हैं, वाइब्रेशन खराब कर देते हैं। उल्टा काम करने लग जाते हैं, समझो कोई क्रोध में आकर के आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ये भी निंदा कराई ना, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए
बुद्धि एक बाप से लगाना है, व्यवहार में अनेकों के साथ आना पड़ता है, परंतु बुद्धि तो एक बाप में लगानी है ना। ऐसे भी नहीं है कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम ऐसे देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम हो जाता है, गोया बाप की निंदा कराते हैं। अभी बाप कहते हैं कि सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण के पास ठौर नहीं पावेंगे। वो गुरु लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो तो अपने ही घर गृहस्थ का ठौर छोड़ के भागते हैं, फिर औरों से भीख मांग करके ठौर बनाते हैं, मठपंथ बनाते हैं, उनके पास तो कोई ठौर नहीं है। ये बाप आकर के तो नई दुनिया का ठौर देते हैं, उसके लिए अभी से पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ करने से तुम बहुत शीतल बन जाएंगे, मन भी शीतल हो जाएगा, तन भी शीतल हो जाएगा, इंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। पांच विकारों की सभी बातें निकल जाएंगी। और बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। फिर कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि कर्म इंद्रियों से कर्म न करो, वहां नई दुनिया में तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाएगा। अभी कलयुग में जो तुम कर्म करते हो वो विकर्म बन जाते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहां नई दुनिया में सीखने की बात नहीं है। यहां का सीखा हुआ वहां साथ में चलेगा। बाप बच्चों को समझाते हैं बहिर्मुखता में रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि मुख से बोलना ही बंद कर दो, नहीं, कोई मुख से बोलना बंद कर दे और अंदर से संकल्प चलते रहे, विकल्प चलते रहे, तो वह और ही वायुमंडल को खराब करेगा। इसलिए अंदर और बाहर दोनों प्रकार का मौन चाहिए। आखिरीन वो भी समय आवेगा
जब तुम बच्चे अंदर और बाहर दोनों से अंतर्मुखी हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ भी तुमको याद नहीं आवेगा। जब तुम परमधाम से आए थे तब भी ऐसे ही स्थिति में आए थे, उस समय तुमको अपनी आत्मा के सिवाय और किसी की भी याद नहीं थी। गर्भ से भी जब बच्चा बाहर निकलता है तो पता पड़ता है ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, ये फलाना है। तो फिर अब अपने बाप के घर में जाना भी ऐसे ही है। मैं आत्मा और मेरा बाप, उनके सिवाय और कोई की भी याद बुद्धि में न बैठे। बल टाइम पड़ा है परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो एड़ी चोटी का करना है, बीस नाखूनों का जोर लगाना है, क्योंकि इस शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं कब छूट जाए। सड़क पर चलते चलते मौत हो जाती है, तो बच्चों को कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसी कोशिश करें जो घर में भी बहुत शांति बनी रहे, कोई प्रकाश का कलेश न होने पावे, नहीं तो घर मोहल्ले वाले सभी कहने लग पड़ेंगे कि इनमें कितनी अशांति है और ये अपन को शांति के सागर के बच्चे कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चों को बहुत शांत में रहना है, क्योंकि तुम सुख और शांति दोनों का वर्षा ले रहे हो। शांति का वर्षा अर्थात मुक्ति का वर्षा, सुख का वर्षा अर्थात जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा। सुख लेते हो, दुख नहीं लेते हो। अभी इस दुनिया में तो तुम कांटों के बीच में रहते हो, नई दुनिया में तो सुखदाई खुशबूदार फूल ही फूल होंगे। अभी तुम सुखदाई फूलों के बीच में नहीं हो, तो भी दुख देने वाले कांटों के बीच में रहते हुए भी तुमको फूल बनना है। कांटों के साथ रह करके कांटा नहीं बनना है, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले तुम शांत में रहो, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा है ही शांत स्वरूप,
और शांति का मतलब सो जाना नहीं है। आत्मा जब अपनी असली शांति स्वरूप में टिक जावेगी तो निद्रा जीत बन जावेगी और शांत स्वरूप भी रहेगी। आत्मा है ही शांत स्वरूप। आपन आत्मा अपने स्वधर्म में टिकनी चाहिए। तुम जानते हो हमको अभी अपने उस घर में जिसे शांति धाम कहा जाता है वहां जाना है। बाप भी शांति का सागर है, तुम्हारा घर भी शांति का घर है। शांति धाम कहते हो ना, कहते भी हैं तुमको भी शांति का घर बनना है। बाह्यात झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान कर देती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी चाहिए। इन बातों से तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई प्रकार की निंदा वे विकर्म होता ही नहीं है। बाप की याद में रहने से और ही विकर्म विनाश होते रहेंगे। अशांत न खुद होना चाहिए और न दूसरों को अशांत करना चाहिए, नहीं तो तमो प्रधान आत्मा खुद भी अशांत होती है और औरों को भी अशांत करती है। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, खासकर माताओं की ये कंप्लेंट होती है, कहती हैं बाबा जब ये घर में आते हैं तो बहुत दम चक्कर मचाए देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति के धर्म में रहो, हातमताई की कहानी भी है। उनको कहा मुख में मुलहरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, तुम भी बाप की याद का मुलहरा मुख में डाले रहो। फिर वो भी ज्यादा बोल नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मीठा शांति का सागर है। शांति की प्रैक्टिस कराए कराए सारे विश्व में शांति कराए देते हैं। फिर अपने भविष्य विश्व मर्तव्य को भी याद करो। बहानुई दुनिया में होता ही एक धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं होता। एक धर्म होने को ही विश्व में शांति कहा जाता है। एक धर्म हैविन कहा जाता है। पर जब दूसरे धर्म आते हैं तो हैविन की जगह हंगामा हो जाता है।
अभी देखो दुनिया में कितनी अशांति है। तुम बाप का वर्षा सारे विश्व का राज्य लेते हो, तो वहां एक धर्म होने के कारण कितनी शांति रहती है। अभी तुम समझते हो कि हमारा तो घर ही शांति धाम है, क्योंकि हमारा स्वधर्म ही शांत है। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हमारे शरीर का स्वधर्म शांत है, आत्मा अविनाशी है तो उसका स्वधर्म शांत है, शरीर तो विनाशी है। विनाशी धर्म का विनाशी ही होगा, तो शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं तो कितना शांत रहती है, वहां शरीर तो नहीं होता। यहां तो सारी दुनिया में अशांति ही अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदैव शांति में रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। बल 63 जन्म कोई वहां रहा पड़ा रहे, नीचे आवे ही नहीं, फिर भी आना तो जरूर पड़ेगा ना। हर एक आत्मा को अपना सुख और दुख का पार्ट बजा करके वापस जाना है, तो इस ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को ये ध्यान में रखना, बाबा हमको दो वरदान देते हैं, एक सुख का वरदान देते हैं और एक शांति का वरदान देते हैं। जिनमें मैं प्रवेश करता हूं इनकी आत्मा भी बैठ सुनती है। सबसे जास्ती इनके कान नजदीक सुनते हैं, इनका कान मुख के नजदीक है ना, तुम्हारा कान तो फिर भी इतनी दूर है, इनका तो मुख इनका कान बिल्कुल नजदीक है, ये झट सुन लेते हैं। बाकी सुन तो लेते हैं, फिर भी इनके सुनने और समझने में अंतर पड़ जाता है। किनके है? ब्रह्मा और प्रजापिता के सुनने और समझने में अंतर पड़ जाता है। ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, तो उतनी जल्दी समझ नहीं सकता है। सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं सकते। और राम बाप को कहा जाता है, बाप तो होता ही समझदार है, इतना समझदार कि सुनने के साथ साथ समझता भी जाता है। बाकी दोनों के कान झट सुनते हैं, तुम्हारे कान इतनी जल्दी सुनते भी नहीं। 70 साल हो गए सुनते सुनते, अभी तक सुनते ही नहीं। समझने की बात तो और भी दूर हो जाती है। चाहे तो सभी बातें समझ सकते हैं,
बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और मीठे मीठे तो सभी को कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो है ना। तुम भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं वो सभी बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो बच्चे नहीं है, शरीर तो लौकिक बाप का बच्चा होता है, पारलौकिक बाप तो है ही आत्मा। और सदैव आत्मा है, उसके बच्चे भी आत्मा ही हैं। बाप अविनाशी तो बच्चे भी अविनाशी हैं। तो बाप अपने बच्चों से ही वार्तालाप करते हैं। कौन से बच्चों से है? जो अविनाशी बच्चे हैं। अविनाशी का मतलब पूरे 84 का चक्र लगाने वाले हैं। जो आत्माएं कम चक्कर लगाती हैं, कम जन्म लेती हैं, उनके लिए कहेंगे कुछ न कुछ देहाभिमानी बने रह जाते। और तुम तो पूरे आत्माभिमानी बन करके वापस जाते हो। तो बाप अपने बच्चों से वार्तालाप करते हैं, माना आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों से वार्तालाप करते हैं, देहभान में रहने वाले बच्चों से वार्तालाप नहीं करते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। ये रूहानी नॉलेज रूह की स्टेज में स्थित रहने वाले बच्चों के पल्ले पड़ती है, और सुप्रीम रूह बैठ तुम रूहों को ही समझाते हैं। रूहानी बाप का प्यार रूहों के प्रति है। जो भी है वो सभी बच्चे रूह हैं, बल अभी तमो प्रधान बन गए हैं, फिर भी बाप तो जानते हैं। जब ये घर में थे, परमधाम में थे, तब तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप तो सभी बच्चों को रास्ता बतलाते रहते हैं, चाहे तमो प्रधान बन गए हैं और चाहे पुरुषार्थ करके सात्विक स्टेज में आए हैं। बाकी वरदान देने की बात नहीं है, रास्ता बताने की बात है। ऐसे नहीं कहते हैं कि धनवान भव, धन धान्य से भरपूर हो जाओ, क्योंकि जानते हैं दुनिया का विनाश होने वाला है, तो धन धान्य सब खलास होने वाला है या रहेगा? वो तो सब खलास हो जाएगा। ऐसे भी नहीं कहते कि आयुष्मान भव, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कुछ ही वर्षों में सारी दुनिया की आयु खलास हो जाएगी। तो आयुष्मान भव का भी वरदान नहीं देते हैं। सतयुग में तुम थे, आयुष्मान भी थे, धनवान भी थे, परंतु बाबा अभी आशीर्वाद नहीं देते। ये आशीर्वाद तो गुरु लोग देते रहते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। बाप तो बतलाए देते हैं, ये दुनिया भस्म होने वाली है, इसमें किसी का धन नहीं रह जाएगा, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, सबकी आयु खलास होने वाली है। तो बाबा से कभी कृपा अथवा आशीर्वाद नहीं मांगना है। बाप
कृपा नहीं करते हैं। क्यों? एक के ऊपर कृपा कर देवे तो दूसरे कहेंगे कि हमारे ऊपर तो की नहीं, तो ये तो पार्शियलिटी साबित हो जाएगी। बाप कोई पक्षपाती थोड़े ही है, इसलिए बाप तो रास्ता बताते हैं। अब जो उस रास्ते पर चले सो प्राप्ति करे। तो बाप टीचर भी है, और ये बात पक्की पक्की याद रखनी है कि बाप तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, रास्ता बताते हैं, कृपा करना, आशीर्वाद करना, ये बाप का काम नहीं है। तो वो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ करके अपना और रचना के आदि मध्यंत का राज सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। ये सारा ही चक्कर ऑलराउंड है, बाप समझाते हैं। इस समय ये सारी दुनिया रावण राज्य में है, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो इस रावण राज्य से बाहर हो। सबके ऊपर रावण का कंट्रोल है। वो भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं कि रावण का राज्य सिर्फ लंका में था। वास्तव में ये सारी दुनिया ही बेहद की लंका है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। बाप आते हैं, तो विष्णु की दुनिया बनाते हैं। विष्णु की दुनिया का नाम क्या होता है? क्षीर सागर। वहां दूध और दूध की नदियां बहेंगी। अब ये सारी दुनिया राम की बनेगी। अभी तो रावण राज्य है। बल कहते हैं लंका सोने की थी। सोना तो बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं, ध्यान में गया, वहां सोने की ईंटें देखी। जैसे यहां मिट्टी की ईंटें देखते हैं, वहां सोने की ईंटें होंगी। तो ख्याल किया जाता है कि वहां से हम सोना ले आवे। जैसे कि नाटक बैठ बनाते हैं। अब ये भारत तो नामी ग्रामी है, क्योंकि और खंडों में इतना सोना हीरे जवाहरात नहीं होते हैं जितना भारत में होता है। भारत की भारी महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मैं सिर्फ भारतवासियों की ही सदगति नहीं करता हूं, खास भारतवासियों की और आम सारी दुनिया की सदगति करता हूं। सभी को वापस ले जाता हूं। तो बाप अभी आए हैं गाइडेंस करने के लिए। तीर्थों में जाते हैं, वहां गाइड होते हैं ना, वो तो हैं हद के गाइड। ये बाप तो बेहद का गाइड है। कहते हैं चलो बच्चे अभी घर चलो, बेहद के घर में जाना है। उस बेहद के घर का रास्ता कोई जानता नहीं है।
मैं तुमको उस बेहद के घर में जाने का रास्ता बताता हूं। सभी आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं, मैं आकर के ज्ञान योग के पंख तुमको देता हूं, जिन पंखों से उड़ करके तुम ऊंची स्टेज में जावेंगे और पति से पावन बन जावेंगे, क्योंकि पावन बनने बगैर तो कोई वापस जा ही नहीं सकता है। और पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, एक के सिवाय और सब इस दुनिया में पतित बनाने वाले हैं, पावन बनाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए बाप का ही नाम है सदाशिव। शिव माने कल्याणकारी, एक शिव ही कल्याणकारी है और बाकी तो सभी अकल्याण ही करते हैं। इसलिए 63 जन्म से भक्ति करते आए, भक्ति करते करते भी इसी दुनिया में पड़े हुए हैं, दुनिया में दुख दर्द और ही बढ़ते जाते हैं, वापस तो कोई शांति की दुनिया में जा ही नहीं सकता। ये ला नहीं कहता है, ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ज्योति ज्योति समाया, पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया, महावीर पार निर्वाण गया, ये सब झूठी बातें हैं। अगर पार निर्वाण कोई गए होते, निर्वाण धाम में कोई वापस गए होते, तो दुनिया की आबादी कम होने लगती या बढ़ती जाती? आबादी तो बढ़ती ही जाती है, तो पार निर्वाण तो कोई जाता ही नहीं। फिर कहते हैं स्वर्ग पधारा, जो मरेगा उसके लिए कहेंगे स्वर्ग पधारा। अब ऐसे स्वर्ग में पधारते जावेंगे, अमर लोक में जाते जावेंगे, तो ये दुनिया तो खाली हो जानी चाहिए। दुनिया खाली हो रही है कि और ही जनसंख्या बढ़ रही है? ये सभी गपोड़े हैं जो कहते हैं स्वर्ग पधारा, पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योति में समाया। बाप कहते हैं ये दुनिया तो एक अविनाशी नाटक है। जैसे वो विनाशी नाटक होते हैं, तो जब तक नाटक पूरा ना हो, ड्रामा पूरा ना हो, तो रंगमंच पर एक्ट करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। ऐसे ही ये दुनिया भी एक रंगमंच है, नाटकशाला है। इसमें तो परमधाम रूपी घर से आने वाली नाटककारों की संख्या बढ़ती ही जानी है और अंत तक बढ़ती रहेगी। ये अविनाशी ड्रामा है, इसका अंत कभी नहीं होता है। बाप समझाते हैं, कल तुम हमारे पास आए थे, राजयोग पढ़ रहे थे, तो तुम जानते हो कि भगवान बाप राजयोग सिखाए राजों का राजा बनाते हैं, और ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई भी नहीं पढ़ा सकता। कौन सी पढ़ाई है? राजा बनाने वाली पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई, और कोई नहीं पढ़ा सकता। मानो अंग्रेज आए,
अंग्रेजों ने ढेर सारे कॉलेज खुलवाए, यूनिवर्सिटीज बन गई। वहां जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सब विनाशी पढ़ाई पढ़ते हैं। इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, राजा तो नहीं बनावेंगे। चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे कोई भी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़े, बड़े बड़े ऑफिसर बन जावे तो भी कहेंगे नौकर हैं। नौकर माने राजा, नौकर माने नौकर, दास दासी। राजा तो कोई बनते ही नहीं है, ये राजाई की पढ़ाई तो बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। और तो हिस्ट्री में कोई नहीं ये राजाई पढ़ाई नहीं है। तो देखो ये बातें और कोई समझाए नहीं सकते, और तुम बच्चों की सेवा ये बातें कोई समझ भी नहीं सकते। अभी बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे 63 जन्म गटर में पड़े हुए थे, तुम्हारी बुद्धि गोमूत में रमण करने वाली बन गई, उसमें तुमको कितना सुख आता था, बाहर निकलने की दिल ही नहीं होती है, घड़ी घड़ी वो गटर ही याद आता रहता है। देखने से ही कहते अभी फिर उस गटर में जाऊं, नहीं देखते हैं तो भी बुद्धि उसी गटर में जाती है। 63 जन्म की आदत पड़ गई है ना। बाप कहते हैं ज्यों ज्यों समय इस दुनिया का बीतता जावेगा, क्यों त्यों माया और ही जोर से उस गटर की याद दिलाती जावेगी। दुनिया ऐसी हो जावेगी जैसे बंदरों की दुनिया। तो तुम बच्चों को तो बहुत खबरदार रहना है, इसी बात पर तुम्हारी युद्ध है माया से। इस युद्ध में ये आंखें बड़ा धोखा देती है। देखने से ही एकदम रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया है कि भाई बहन के संबंध में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है। तो अभी बच्चों को समझाया जाता है कि अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। ये सभी कहते तो हैं कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये तो कहने की बात हुई, परंतु अंदर से ऐसा अनुभव करते हैं क्या, समझते हैं क्या? अनुभव तो नहीं करते। तो जैसे कि मेंढक हो गए, मेंढक फालतू ही ट्रां ट्रां करता रहता है, ऐसे ही बाप को 70 पढ़ाते पढ़ाते हो गए, अभी भी गीत गाते रहते हैं, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई। अरे आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच में याद आता है, भ्रकुटी में आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस पक्की हुई है। अगर पक्की हुई है तो कहेंगे कि समझ है,
नहीं तो बहुत है ऐसे बोलते रहते हैं कि आत्मा को कैसे याद करें। हमें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अरे आत्मा देखने की चीज है, इन आंखों से देख सकते हैं या अनुभव करने की चीज है? तो देखो अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे कि मेंढक, अभी तुम बच्चे तो बाप की हर यथार्थ बात का अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे एक बाप के आशुक भक्ति मार्ग में भी थे, वहां भी तुम एक मासूक को याद करते थे। जन्म जन्मांतर कहते आए हाय राम, हे भगवान रहम करो, ऐसे कहते थे ना। तो देखो इस दुख की दुनिया में ऐसे कहते हैं, नई दुनिया स्वर्ग में तो कब ऐसे नहीं कहेंगे, हे भगवान, हे राम, हाय राम, रहम करो। क्यों नहीं कहेंगे? वहां तो राम का राज्य होता है और यहां, यहां तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। अभी तुम बच्चों को राम राज्य में ले जाते हैं तो समझना चाहिए कि जब हम राम के राज्य में जाते हैं तो राम की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। और राम की श्रीमत पर कैसे चलेंगे है? अरे राम को पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे कि बिना पहचाने श्रीमत पर चलेंगे? राम को पहचानेंगे तो राम की मत पर चलेंगे। अभी तुमको राम की मत मिलती है, जिसको ईश्वरीय मत भी कहा जाता है, पर सत्युग त्रेता में तुम्हें मिलेगी दैवी मत। ईश्वरीय मत है ऊंचे चढ़ाने वाली, और दैवी मत हो चाहे मनुष्य मत हो, वो सब नीचे गिराने वाली है। ऊंचा चढ़ाने के लिए तुमको सिर्फ अभी मत मिलती है, और अभी तुम राम को पहचान सकते हो। फिर राम की पहचान न सत्युग में होगी, न त्रेता में होगी, न द्वापर में और न कलयुग में। राम कृष्ण की आत्माएं तो इस दुनिया में होंगी, कोई न कोई रूप में पार्ट बजावेंगी, परंतु तुम उनको पहचान नहीं सकेंगे। तो ये कल्याणकारी संगम युग है। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि सभी को बताया हुआ है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। कलयुग को सिर्फ अभी 5000 वर्ष हुए हैं। तो ऐसी गलत फहमी में मनुष्य गुरुओं ने डाला हुआ है। कहते हैं सृष्टि के तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, कितने घोर अंधियारे में। दुनिया में बारूद का ढेर लगा पड़ा है, हजारों हजार तादाद में एटम बम बन चुके हैं। दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, और उन मनुष्य गुरुओं ने तुमको सुलाई दिया क्या कहकर कि दुनिया तो लाखों वर्ष है। बाप कहते हैं
ये सभी शास्त्रों की बातें हैं, घोर अंधेरा। ये शास्त्रों का भूसा मनुष्य गुरुओं की मत पर निकला है। बाप आकर के ज्ञान का सो झरा करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए बहुत धक्के खाते हैं। मंदिर में जावेंगे, ठिकाने में जावेंगे, मस्जिद में जावेंगे, गिरजाघर में जावेंगे, एक एक गुरु के पास जाते रहते हैं। समझते हैं ये भगवान का रूप है, परंतु भगवान तो मिलता ही नहीं, ठोकरे खाते रहते हैं। कितने धक्के खाते हैं भगवान को पाने के लिए। और यहां संगम युग में तुमको कितना सहज बाप मिल जाता है। 63 जन्म तुमने धक्के खाए, तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये दुनिया 63 जन्मों से भक्ति मार्ग का अंधियारा फैलाने वाली बनी है। अभी मैं तुमको ज्ञान के सोजरे में ले जाता हूं। 63 जन्म तुम्हें भगवान नहीं मिला, भगवान का परिचय नहीं मिला, भगवान का साथ नहीं मिला। अभी मैं तुम्हें अपना और अपनी रचना का, सृष्टि के आदि मध्यंत का पूरा परिचय देता हूं। July 1968 की वाणी का तीसरा पेज। तो बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग की भी ड्रामा अनुसार नूद है, फिर ये भक्ति मार्ग फिर भी होगा। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है क्या कि अभी तो हमें भगवान मिल गया है, अभी हमें भटकने की दरकार नहीं है। जिनको नहीं मिला है उनकी बुद्धि अभी भी भटकती रहती है। इस पार्टी में जावेंगे, उस पार्टी में जावेंगे, तो क्या कहेंगे, बुद्धि भटकी हुई है या ठहर गई है? भटकी हुई है। तुम तो कहते हो हम तो जाते हैं शिव बाबा के पास, कोई तुमसे पूछते हैं कहां जाते हो तो तुम क्या कहेंगे, हम तो जाते हैं शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास। परंतु इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो, कोई मनुष्य तो इन बातों को समझ नहीं सकता। तुम तो ब्राह्मण बन गए हो, ब्रह्मा की औलाद बन गए हो, तो तुमको पता है। मनुष्यों का तो मन भटकता रहता है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है। तुम कहते हो कि मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते, समझने के लिए ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े। तुम्हारे में भी कोई कोई है जिनको पूरा नहीं, निश्चय नहीं बैठता है, तो माया उनको एकदम हप कर लेती है। इसके लिए शास्त्रों में कहानी बनाई हुई है, माया ग्राह ने गज को अर्थात हाथी रूपी महारथी को पकड़ लिया, हप कर लिया। फिर क्या होता है, आश्चर्यवत कथंती सुनंती और भागंती हो जाते हैं। भगवान का ज्ञान सुनते हैं
दूसरों को कथंती कहते हैं, सुनते भी हैं, सुनंती कथंती और फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। पुराने पुराने जो भी चले गए हैं उनका भी ये गायन है, और अभी अभी नए नए जो निकल रहे हैं वो भी भागंती होते रहते हैं, उनका भी यही गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा लेती है। बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को हमारे पास मत भेजो। बाप कहते हैं अरे हम माया को बेटी कहता हूं, परंतु ये तो माया भी बेटी है क्या? मना जो असली बेटी होगी उसके चरित्र में, और जो माया भी बेटी होगी उसके चरित्र में फर्क होगा या नहीं होगा? बहुत फर्क होता है। तो बाप कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी थोड़े ही है, माया किसकी है? माया तो रावण की है, माया मेरी नहीं। मेरी नहीं है। रावण अपना राज्य करते हैं माया के ऊपर, और माया बेटी की एक भुजा नहीं है क्या? हजारों हजार भुजाएं हैं, कभी कोई भुजा से काम करती है, कभी कोई भुजा से काम करती है। इन माया बेटियों के ऊपर रावण का राज्य चलता है। अभी हम तो अपना राज्य स्थापन कर रहा हूं, हमारे राज्य का नाम क्या है? है राम राज्य। वो समझते हैं कि यह राज्य परंपरा से चला आया है। बाप भी समझाते हैं ये रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, बहुत पुराना दुश्मन है, इसलिए हर वर्ष जलाते रहते हैं। बहुत वहां जाते हैं रामलीला देखने के लिए, जहां रावण को जलाते हैं। मैसूर में तो बहुत रावण जलाते हैं, दशहरा बहुत मनाते हैं। कहां? क्यों? मैसूर में क्यों? सूर माना सूर्य, मैसूर में बहुत दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाने का बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं मैसूर में। क्यों? भारत में और भी तो बहुत शहर हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया? है? अरे भारत में चंद्रपुर नहीं है क्या? है? हाँ चंद्र तो चंद्रवंशी हो गए, और सूर्य में सूर्यवंशी होंगे। राम कौन से वंश का था? सूर्यवंशी था। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य तो कचड़े को जलाए देता है, भस्म कर देता है। तो बहुत वहां जाते हैं रावण को जलाने के लिए। समझ कुछ भी नहीं है कि मैसूर में रावण को जलाने का इतना बड़ा मेला क्यों मनाते हैं। फिर रामलीला में दिखाते हैं
कि राम ने इतनी बड़ी बंदरों की सेना ली अब किसी देश में बंदरों की सेना कोई ने देखी है क्या है? बंदरों की सेना बनने लगे तो फिर मनुष्यों को भर्ती करने की दरकार ही नहीं। अभी तो बाप ने तुम्हारी सेना का नाम दिया है शिव शक्ति सेना, ये कोई बंदरों की सेना है क्या? उन्होंने फिर सेना का नाम डाल दिया है बंदरों की सेना। तो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में बंदरों की सेना नाम क्यों डाल दिया? बाबा तो शिव शक्ति सेना कहते हैं है? माने बाबा झूठ बोलते हैं, बाबा ने शिव शक्ति सेना कहा ये झूठ हो गया, और उन शास्त्रकारों ने बंदरों की सेना लिख दिया ये सच्ची बात हो गई है? नहीं तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बाप तो अच्छा ही अच्छा कह करके अच्छा बनाए देते हैं, क्या बाप ये नहीं कह देखते कि ये भिखारी है ये बंदर है, बाप तो भविष्य का रूप देखते, इसलिए कहते हैं तुम हो शिव शक्ति सेना। बाप की नजर तुमको ऊंची नजर से देखती है या नीची नजर से देखती है? ऊंची नजर से देखती है। और वो गुरु लोग, गुरु लोग नीची नजर से देखते हैं एक दूसरे को, इसलिए उन्होंने राम की बंदर सेना दिखाई दी। बाप समझाते हैं बरोबर तुम बंदर थे, अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बन रहे हो, अभी तुम शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो ना, तो शिव शक्ति सेना हो, रावण पर जीत पाने के लिए तुम शक्ति लेते हो। और ये भी जानते हो कि बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, इस पर अनेक प्रकार की कथाएं बना दी हैं, अमर अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, कितनी कथाएं बनाई हुई है। अभी तुम तो जानते हो कि बाबा अमर बनने की कथा हमको सुनाए रहे, इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। उन्होंने तो लिख दिया है एक पार्वती को कथा सुनाई, बाकी कोई पहाड़ों पर कथा नहीं सुनाई। क्या मतलब हुआ पहाड़ों पर कथा सुनाई उसका? कि ऊंची स्टेज में निराकारी स्टेज में बैठ करके ये ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं, ज्ञान की ऊंची ऊंची गहराइयों की बातें सुनाते हैं। बाकी ऐसे भी नहीं है कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, नहीं, कथा कौन सुनाते हैं सच्चाई की है? शिव बाबा सुनाते हैं, शंकर तो खुद ही याद में बैठता है, तो जो याद में बैठता है वो पतित है या पावन है? वो तो खुद ही पतित है, नहीं तो पावन को याद करने की क्या दरकार? अच्छा, ओम शांति।